नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर एक और फिल्म आने वाली है। फिल्म का नाम है स्पाई। इस फिल्म का टीजर इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति के सामने लॉन्च किया गया। इस फिल्म में लीड रोल में कार्तिकेय 2 के हीरो निखिल सिद्धार्थ दिखेंगे। बिल्कुल, फिल्म को गैरी बीट्स ने निर्देशित किया है। नेताजी के जीवन से जुड़े कई ऐसे सवालों का जवाब ये फिल्म ढूंढने की कोशिश करती दिखाई देगी। हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया ने फिल्म के स्टारकास्ट से बात की, आप भी सुनिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर अब एक और मूवी आने वाली है, निखिल सिद्धार्थ उसको लेकर आ रहे हैं और गैरी बीट्स डायरेक्टर है। पूरी स्टार कास्ट की टीम हमारे साथ मौजूद है दिल्ली में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्टैचू के सामने अभी अभी मूवी का टीजर लॉन्च किया गया है। आपसे ही बात करते हैं कि कई सारी मूवीज पहले बन चुकी हैं नेताजी पर, इस बार आप क्या नया लेकर आ रहे हैं? सर, अभी तक जो भी मूवीज बने हैं सर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर, नेताजी के ऊपर, ऑलवेज अबाउट उनके लाइफ स्टोरी के ऊपर या जो सब लोग जानते हैं सर उस स्टोरी के बारे में बनी चुकी है सर। मगर हम ये सोचते हैं कि हमारा मूवी जो है स्पाई आने वाली है, अगर आप एक बार टीजर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो हमें पता नहीं है वो चीज हम बताने वाले हैं सर। और ये बहुत रिसर्च करके हमने किया है सर, ये वैसे ही लेकिन विदाउट एनीथिंग फिक्शियस स्टोरी नहीं है सर। जो भी हुआ है हम सच बताने की एक कोशिश में ये मूवी बनाए सर। और ये मूवी एक्चुअली एक एक्शन मूवी है सर, एक स्पाई थ्रिलर है। कितनी मेहनत आपको करनी पड़ी, कितनी रिसर्च करनी पड़ी, कितना टाइम लगा आपको और कितना टाइम लगा डिसाइड करने में कि ओके ठीक है यही मूवी करेंगे? गए थे सर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगभग 1.5 साल 2 साल चला गया हमारा। और जितने भी बुक्स लिखा हुआ है नेताजी के ऊपर वो सब पढ़ा हमने, और जितने लोग उनका लाइफ डेडिकेट किया था नेताजी जो संबंधित फाइल्स है वो सब बाहर आने के लिए, और एक्स रॉ एजेंट से भी बात किया था, कुछ काफ़ी सारी रिसर्च किया था हमने। मेन मोटो टू डिसाइड ऑन गेटिंग दिस पॉइंट आउट इज दैट आई बिलीव कि जिसको क्रेडिट आया था इंडिपेंडेंस के लिए उसे हम कुछ किसी को प्रॉब्लम नहीं है, पर किसी को नहीं दिया था क्रेडिट वो प्रॉब्लम है, तो वो बताना चाहते हैं। कितना टाइम लगा कैरेक्टर को पकड़ने में और उसे निभाने में, कितनी मुश्किल आई आपको? हमने रॉ एजेंट का कैरेक्टर प्ले किया हम चारों ने, और हमारे राइटर ने बहुत अच्छे से लिखा है और हमें बहुत अच्छे से समझाया गया था पहले, और उसके अलावा हमारा भी खुद का बनता है कि हम खुद कुछ रिसर्च करें उसके ऊपर, जाने कुछ चीज़ें। तो ये फिल्म रॉ एजेंट्स जैसे काम करते हैं उनके ऊपर है, कहाँ कहाँ काम करते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं उनके ऊपर है। और थैंक्स टू आर डायरेक्टर, हमारी फिल्म में सस्पेंस तो है और एक्शन भी है, सो यू आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा।